नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल अर्पित मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन एंड आंसर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, ये जो मेरा प्रीवियस ईयर का दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है, जो DSEU जो दिल्ली एग्जाम कन्वर्ट करवाए दोस्तों, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, जो एग्ज़ाम अभी आने वाले 21 तारीख 21 और 22 में है दोस्तों। इसका लॉजिकल रीजनिंग का मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उससे दोस्तों डाउनलोड करके PDF मैं वो सॉल्व कराऊंगा दोस्तों आपको। आप आशा करते हैं आप देखेंगे, आप अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों पूरा क्वेश्चन, प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा दोस्तों। और तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे दोस्तों क्या होता है, लेक्चर बनाने में भी मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक को सब्सक्राइब कर दें तो मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले जो मेरा क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, 1 से 5 तक मेरा जो क्वेश्चन है, सेम ग्रुप ऑफ लेटर, सेम ग्रुप ऑफ लेटर एंड गिवन ऑल द व्हिच एक्सेप्ट वन शेयर ए कॉमन सिमिलरिटी वाइल वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन आउट। मीन्स क्या दोस्तों, एक पेयर दिया गया दोस्तों, ये पेयर है, इन पेयर में से 4 पेयर है दोस्तों, तो इसमें पेयर में से कोई एक पेयर जो है अलग है, उस अलग पेयर को मुझे पहचानना है और उसको कोई मेरा आंसर होगा दोस्तों। क्या एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, क्या है, सेम ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन ऑल ऑफ व्हिच एक्सेप्ट वन शेयर ए कॉमन सिमिलरिटी वाइल वन इज डिफरेंट चूज द ऑड वन आउट। मतलब इसमें से एक जो डिफरेंस है उसको मुझे चूज करना है। तो दोस्तों समय न गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ए फॉलोअर फ्लोअर, फ्लोअर माने क्या होता है दोस्तों, फ्लावर, फ्लावर माने होता है, सॉरी दोस्तों है, ये फ्लावर माने फूल होता है दोस्तों, ये क्या होता है फूल। और पेटल माने क्या होता है दोस्तों, पत्ती, पेटल माने पत्ती होता है। और ट्रायंगल माने दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इसको दोस्तों नोट कर लेना। मैं सारे वन एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं, तो चारों पार्ट का विद मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। एक ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, ट्रायंगल का हिंदी जो होता है ये होता है त्रिभुज। क्या होता है दोस्त, त्रिभुज। और एंगल का मतलब होता है कोण दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं कोण। तो आपको फ्लावर माने फूल हो गया दोस्तों, पेटल माने हो गया पत्ती, और ट्रायंगल माने हो गया त्रिभुज, एंगल माने कोण, और कवर माने क्या होता है दोस्तों, कवर, बुक का कवर जो होता है, इसको लिख सकते हैं बुक का कवर, कह सकते हैं आप बुक का कवर, बुक का कवर। और पेज माने जो होता है, पेज माने पन्ना दोस्तों, कह सकते हैं पन्ने के एक प्रति को ही बोलते हैं, बट मैं पन्ना लिख देता हूँ दोस्तों, पन्ना। और टेबल माने होता है दोस्तों मेज, और लेग माने पैर होता है दोस्तों। और तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया दोस्तों, फूल पत्ती से संबंधित है दोस्तों, मतलब दूसरा भाग जो है फूल पत्ती, मतलब दूसरा भाग जो है पहले का पार्ट है, फूल का पार्ट है पत्ती, ट्रायंगल, ट्रायंगल का पार्ट है एंगल, मतलब त्रिभुज का ही पार्ट है दोस्तों, ये त्रिभुज का पार्ट कोण, फूल का पार्ट है पत्ती, मतलब दूसरा पार्ट आ रहा है जो कवर, कवर का भाग पेज नहीं होता दोस्तों, बुक का भाग, पूरे पूरे कॉपी का भाग पेज होता है, ना कि कवर, कवर भी एक पार्ट है, बुक का एक कवर भी पार्ट है, ये आपको डिफरेंट लग रहा हो। बाकी टेबल जो है दोस्तों, टेबल का पार्ट जो है लेग, टेबल के जो नीचे पैर लगे होते हैं जिस पर टेबल टिका हुआ, तो टेबल का पार्ट लेग है। मीन्स दोस्तों ए पार्ट और बी पार्ट में और डी पार्ट में जो है दोस्तों, पहले का जो दूसरा है उसका पार्ट है, पहले वर्ड का दूसरा जो है पार्ट है, बट एक कवर जो ये दोस्तों जो है
कवर पेज ए डिफरेंस है दोस्त। तो मेरा चूंकि मुझे डिफरेंस निकालना है, जो इन तीन से डिफरेंस है, तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा दोस्तों, इसको ना लगा के जो मुझे क्वेश्चन में करना, ए मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों क्या होगा आंसर, आंसर मेरा होगा सी पार्ट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मेरा सो है दोस्तों, अलग अलग इसमें दिया है, थोड़ा दो पेज में होगा, बट कोई नहीं दोस्तों। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, ओस्ट्रिच। ये पहला जो मेरा है ओस्ट्रिच, इसका एक पहला पार्ट है ओस्ट्रिच ए पार्ट। तो इसको हिंदी क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी होता है शुतुरमुर्ग। आप सुने होंगे दोस्तों, देखे होंगे शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग इसको बोलते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं शुतुरमुर्ग। और मेरा जो बी पार्ट है दोस्तों, पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन का जो मतलब होता है दोस्तों, पेंगुइन जो है जलीय समूह का उड़ने में असमर्थ पक्षी है। पेंगुइन जो है यह है जलीय समूह का, ये जो है उड़ने में असमर्थ पक्षी है दोस्तों। और एमू या ईमू इसको बोलते हैं दोस्तों, एक ये भी जो है एक विशालकाय पक्षी है, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, जो है विशालकाय पक्षी, विशालकाय पक्षी है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। ये भी एक जलीय समूह का भारी उड़ने में असमर्थ है, और ये भी दोस्तों ये जो विशाल का है मीन्स ये भी उड़ने में असमर्थ ही है। आपका चौथा पार्ट जो है, और उल्लू, उल्लू दोस्तों उड़ता भी है, और जो है रात में, उल्लू जो है रात में देखता है, उल्लू जो है ये रात में देखता है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ मेरा पहला शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग भी एक भारी विशाल का है, भारी उड़ने में असमर्थ भी होता है, उड़ता है बहुत कम उड़ता है। तो पहला पार्ट मेरा शुतुरमुर्ग है दोस्तों, जो भारी भी होता है, उड़ने में असमर्थ हो, ज़्यादा नहीं उड़ते सर दोस्तों। और बाकी मेरा पेंगुइन जो है एक जलीय समूह का उड़ने में असमर्थ है, और एमू जो है ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, ये भी विशाल का। मीन्स मेरा एक उल्लू जो है, आउल जो है, इसको छोड़ के बाकी सब विशाल का है और उड़ नहीं पाते, जमीन पे चलते ज्यादातर दोस्तों। तो मेरा इन तीनों से डिफरेंस आउल है दोस्तों, आउल जो उल्लू उड़ता भी है और रात में, इसका ये रात में देखता है, तो इन तीनों से डिफरेंस है। तो इसको दोस्तों मेरा आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसका अगर आप लोग चाहो दोस्तों तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख सकते हो, लिख लो आउट ऑफ दी, आउट ऑफ दी डी एक्सेप्ट, मतलब डी को एक्सेप्ट करके आउट ऑफ डी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आउट, आउल आल इज फ्लाईलेस, आल ऑफ एफ एल आई जी एच टी फ्लाइट लेस, आल ऑफ फ्लाइट लेस बर्ड। इन दोस्तों आउल को छोड़कर, आउट ऑफ द एक्सेप्ट आउल, मतलब आउल को छोड़कर आल इज फ्लाईलेस। इसको यहाँ दोस्तों फिर से लिख देना, आपको अगर न समझ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एफ आर आई जी एच टी एल ई डबल फ्लाईलेस बर्ड। तो आशा करते हैं दोस्तों ये भी आप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों मेरा, ये पहला पार्ट दोस्तों जो है ट्रायंगल। ट्रायंगल माने आप लोग जानते हैं त्रिभुज। अगला पार्ट क्या है दोस्तों, ट्राइफल, 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 इसको क्या है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे इसको, ट्राइफल।
इसका हिंदी जो होता है छोटी बात, तुच्छ बात। इसका ए ट्रायंगल दोस्तों त्रिभुज होता है। ए ट्राइफल को हिंदी जो होता है छोटी बात, छोटी बात या तुच्छ बात, तुच्छ बात। और इसका, और दोस्तों ट्राइथलॉन जो होता है, ये जो मैं ट्राइथलॉन होता है बहुखेल प्रतिस्पर्धा, इसका हिंदी जो होता है दोस्तों, इसको खेल में प्रतिस्पर्धा किया जाता है, बहु खेल प्रतिस्पर्धा। इसमें मेनली तीन खेल होते हैं, इसमें मेनली तीन खेल होते हैं। एक तैराकी होता है, तैराकी। दूसरा जो खेल होता है साइकिल, साइकिल चालन। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वह होता है दौड़ना। तो मेरा इसमें भी दोस्तों त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। एक ट्राइफल जो होता है छोटी बात, तुच्छ बात होता, और जो है मेरा ट्राइथलॉन जो होता है, ये तीन खेलों का प्रतिस्पर्धा होता है दोस्तों। एक तैराकी, साइकिलिंग, साइकिलिंग हो गया दोस्तों, और तीसरा जो होगा दौड़ना। इसको लिखते हैं, साइकिलिंग लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लिखते हैं साइकिलिंग। साइकिलिंग मतलब वही साइकिल चलाना है दोस्तों। और मेरा तीसरा जो पार्ट, चौथा पार्ट जो है ट्राइलिंगल, ट्राइलिंगल। तो क्या है दोस्तों, ट्राइलिंगल, इसका हिंदी जो होता है दोस्तों त्रिभाषी। इसका हिंदी जो होता है दोस्तों त्रिभाषी, ट्राइलिंगल। तो इसका दोस्तों क्या होता है, त्रिभाषी। अब दोस्तों समझ आ गए, त्रिभुज तीन भुजा, तीन से रिलेटेड है, ट्राई से। इसमें टी जो है, इसमें ट्राई जो है, इसमें ट्राई तीन से है, इसमें जो ट्राई है दोस्तों इसमें तीन से है, इसमें ट्राई, इसमें भी ट्राई तीन से है, इसमें भी ट्राई तीन से है दोस्तों, बट ए जो है तुच्छ बात है, ए डिफरेंस है दोस्तों। तो मेरा राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, आंसर मेरा जो हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पहला पार्ट मेरा क्या है दोस्तों, बोकेनोस, बोकेनोस इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों। बोकेनोस का हिंदी जो होता है ज्वालामुखी होता है दोस्तों। जितना मैं मीनिंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अब जो पार्ट सही है उसी का ही मीनिंग याद कर लो, बाकी तो छोड़ दो। सारे क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन बन के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं दोस्तों। सारे आंसर बन के क्वेश्चन पे, अगर सारे आपको मीनिंग अगर याद कर लेंगे दोस्तों, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको आसानी से सॉल्व कर लो। तो बिल्कुल क्या है दोस्तों, बोकेनोस, बोकेनोस में होता है ज्वालामुखी। अब मेरा दूसरा जो है सुनामी, टी सुनामी लिखा है लेकिन टी साइलेंट दोस्तों, ये सुनामी है। इसका हिंदी जो होता है सुनामी, सुनामी, इसमें टी साइलेंट दोस्तों। ये सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया दूसरे का मीनिंग। और तीसरा जो है दोस्तों टोरनिडस, टोरनिडस जो है दोस्तों, इसका हिंदी जो होता है तूफान होता है दोस्तों। इसका हिंदी जो होता है तूफान, टोरनिडस जो होता है तूफान होता है। और चौथा जो होता है एक्सपल्जन जो होता है दोस्तों, एक्सपल्जन का हिंदी होता है विस्फोट। पहला क्या दोस्तों, वोकेनोस का हिंदी होता है ज्वालामुखी, और दूसरा क्या दोस्तों, सुनामी, तो है इसका हिंदी भी सुनामी है दोस्तों। तीसरा है टोरनेडस, टोरनेडस इसका हिंदी होता है तूफान। और चौथा मेरा दोस्तों एक्सप्लोजन, इसका हिंदी होता है विस्फोट। तो आप ही दोस्तों देख सकते हैं, ज्वालामुखी ये भी नेचुरल प्राकृतिक होता है, आदमी द्वारा नहीं कराया जाता। सुनामी ये भी नेचुरल है दोस्तों, तूफान का आना ये भी नेचुरल है, लेकिन विस्फोट, विस्फोट तो किसी आदमी इंसान के द्वारा, इसलिए दोस्तों इन चारों से डिफरेंस है। तो ए मेरा राइट आंसर है,
आंसर जो होगा दोस्तों डिफॉल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, आशा करते हैं समझ आ रहा होगा आपको। मेरा पहला क्या है दोस्तों, E7, E7, और इसमें क्या है तो दोस्तों मेरा ये क्या है E7, E17 में दोस्तों, अगर आप ABCD लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो देखेंगे दोस्तों मेरा ई है, ई कितने स्थान, 1 2 3 4 5 स्थान पर है, लिखा कितना 7, 2 बढ़ के प्लस 5 प्लस 2 करके लिखा है। अब इसमें दोस्तों क्या है, ये दोस्तों के है, क्वेश्चन में मिस्टेक आ गया है, एक के है दोस्तों, इसको सही कर लेना आपको के। तो दोस्तों यहाँ पे के क्या है हमारा, के है, आप देख लीजिए कि 5 यहाँ तक, 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस 2 कर देंगे 13 आ जाएगा, मतलब जितना इसका जो है अल्फाबेट में जो नंबर आता है प्लस 2 करके आ रहा है दोस्तों, ये भी सही है। एन मेरा देखो, एन में क्या है दोस्तों, एन कहाँ पे है मेरा, एन यहाँ पे दोस्तों 11 यहाँ तक है, 12 13 14, 14 प्लस 2 होना कितना, 14 15 16 होना चाहिए, अब यहाँ पे कितना 17 दिया गया है। अब मेरा एक्स 26, एक्स एक्स जो है ऐसे तो होगा 24 प्लस 2, 26 सही है दोस्तों, मीन्स 24 प्लस 2 इसमें भी करके आ रहा है, 5 प्लस 2 इसमें भी ये करके आ रहा है, 11 प्लस 2 ये भी करके, बस ये दोस्तों मेरा क्या है, इसमें आना चाहिए 16, यहाँ पे लिखा गया 17, तो मीन्स मेरा ये अलग है दोस्तों, सबसे अलग है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों मेरा क्या क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन वन साइड ऑफ इतना एंड वन वर्ड इज गिवन एंड अदर साइड इतना वाइल अनदर वर्ड इज टू बी फाउंड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव हैविंग द सेम रिलेशन व्हिच दिस वर्ड एज द वर्ड ऑफ द गिवन पेयर वियर चूज द करेक्ट अल्टरनेट। दोस्तों समझ आ गया दोस्तों, आप पढ़ लेंगे इसको अच्छे से, चलते हैं मैं न्यूमेरिकल पे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं गाँव, देखो इसको दोस्तों क्या है, 12 8 20 फिर ऐसे बढ़ रहा है, 12 8 20 प्लस 30, तो इसको क्या करूँगा मैं दोस्तों, करूँगा 3 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों प्लस 3 करूँगा, कितना आ गया, 3 3 9 10 11 12 आ गया। अब 20 को दोस्तों कैसे लिखा है, 3 4 स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 4, तो कितना आ गया, 4 चौक 16 4 20 आ गया दोस्तों। अब 30 को कैसे लिखा दोस्तों, अब देखना अच्छे से, 30 को लिखा है, अब 4 का 3 का स्क्वायर प्लस 3 4 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करूँगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4, तो 50 25, 5 दोस्तों लिखूंगा, 50 25 प्लस 5 तो हो जाएगा 30। तो दोस्तों 5 5 का स्क्वायर प्लस 5 30 हो गया, तो इससे अगला क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 3 4 का स्क्वायर प्लस 4 5 का स्क्वायर प्लस, तो होगा दोस्तों क्या, यहाँ पे जो होगा मेरा दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 6 36, 6 36 6 कितना हुआ, 40 42 दोस्तों, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा B पार्ट दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ आएगा दोस्तों, आंसर बराबर 42 B। चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट, तो दोस्तों क्या है यूनाइटेड स्टेट, इसके आगे यूनाइटेड स्टेट दोस्तों, इसके आगे क्या लिखा गया है, वर्ल्ड ईगल, इसका हिंदी क्या होता है, गंजा ईगल, इसका हिंदी दोस्तों कहते हैं गंजा ईगल, तो ये दोस्तों जो होता है
यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, गंजा है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी गंजा ईगल। तो इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? पिकॉक होता है, मोर दोस्तों। तो देखता हूँ इसमें सिमिलरिटी, इसमें अब जो है उसके पहले जो जो डिफरेंस होता था उसको निकाल रहे थे, अब इसमें क्या है, अगर इस पे इससे क्या संबंध है तो इससे सेम संबंध इसका होना चाहिए, अगर इससे इसका जो संबंध है इससे इस वाले से इसका संबंध आगे वाले को होना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट उसका गंजा ईगल जो है, ईगल जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। तो इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे दो का चीता तो है नहीं दोस्तों, तुम्हारा लायन ये भी नहीं है, स्पैरो यानी पिकॉक आपका मोर दोस्तों, राइट आंसर है डी पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये मेरा क्वेश्चन दोस्तों 10.1, फिर ये दशमलव पॉइंट देखो, देखो पहले यहाँ पे लगाया, अभी दशमलव खिसक के दोस्तों आ गए यहाँ पे 1.0 0 इधर आ गया, पॉइंट यहाँ लग गया दोस्त पहले पे। अब इसमें क्या है आगे वाले में क्या दोस्तों, ए पॉइंट जो खिसक के यहाँ आ गया, तो 0 आगे आ गया दोस्तों, 0.1 लिख दिया। अब क्या होगा दोस्तों, इसके भी आगे आएगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 दशमलव यहाँ आ जाएगा, 0 का आगे आ जाएगा तो 1, ये मेरा राइट आंसर होगा। किस में है देखो, ये मेरा है इस वाले पार्ट में दोस्तों, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ, देखो पहले देखो 10 है दोस्तों, अब इसको यहाँ से खिसका दिया तो क्या होगा, ए पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया तो 1.01 होगा। अब ए पॉइंट आगे खिसका दिया तो क्या होगा, 0.1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चूंकि आगे यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो आगे 0 लिखूंगा दोस्तों, यहाँ 0.1 होगा। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ का आगे 0 लगा, अब ए यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा, पॉइंट पहले लगा दूंगा आगे पॉइंट लगा लो मन करे, 0.1 हो जाएगा दोस्तों, समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, तो दोस्तों एक किडनी है, किडनी को जो डॉक्टर देखते हैं, जो किडनी पेशेंट को जो डॉक्टर देखते हैं उस डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो ब्रेन को जो डॉक्टर देखते हैं उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, उस डॉक्टर को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। आपने देखा होगा जो ब्रेन से रिलेटेड पेशेंट होते हैं उस डॉक्टर को जो नाम बोला जाता है वो न्यूरोलॉजी। आ सकते हैं दोस्त, ये मेरा आंसर है दोस्तों डी पार्ट, इसको आप याद कर लें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब दोस्तों मेरा ये है F के बाद जो रिलेशन है इसका, इससे क्या रिलेशन, F का 37 तो I का क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों अभी आपको मैंने यहाँ पर लिखाया था दोस्तों F कितने स्थान पाता है, यहाँ से ABCD कहाँ लिखा है दोस्तों, यहाँ पे F देखो कितने बार है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, F जो है इसका अल्फाबेट में जो 6 स्थान मिला है दोस्तों। तो इसको यहाँ से दोस्तों आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये 6 है दोस्तों, F का जो, F को जो बोलते हैं दोस्तों 6। इधर क्वेश्चन मेरा दोस्तों ये 10 नंबर F 6 हो गया और 27 लिखा गया, इसका रिलेशन जो है F का रिलेशन जो लिखा गया 27, तो 6 का स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों, 6 6 36 + 1 कितना आ गया 27। F अल्फाबेट में जो इसका स्थान है 6, छठे स्थान पर दोस्तों। अब 6 का स्क्वायर 6 6 36 + 1 27, क्योंकि इसका रिलेशन 27 मतलब जितने स्थान पर उसका वर्ग प्लस वन करना है। तो दोस्तों अब देखूंगा मैं आई, आई का इसमें कितना कौन सा स्थान है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आई देखो, यहाँ पे आई ये है, ये है तो कितने स्थान पर, 6 F आ रहा है, 7 8 9 नौवे स्थान पे ना आई जो है नौवे स्थान पर आ रहा है दोस्तों। आप इसको इसको जो है अल्फाबेट जो है कौन से अल्फाबेट का किस क्या नंबर आ रहा है आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन में आसानी, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगा दोस्तों, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। तो इसका 9 है दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूंगा, 9 9 81 + 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 82। तो आशा करते हैं इसका क्या आंसर है, 82 डी पार्ट दोस्तों सही हो गया, मेरा आंसर जो है डी पार्ट। आशा करते हैं आपको समझ आए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, अब दोस्तों मेरा 11th नंबर क्वेश्चन जो है,
क्या है? इन अ सर्टन कोड 115 मीन्स मिल्क ऑफ हॉट, क्या है क्वेश्चन? इन ए सर्टन कोड जो लिखा गया 415 जो है, 415 जो मीन्स मिल्क इज हॉट, क्या दोस्तों? मिल्क इज हॉट, इसको लिखा जा रहा है 415। और जो है 18 मीन्स हॉट सूप, हॉट सूप, हॉट यस ओ हॉट सूप में जो है 18 है दोस्तों। और जो है इतना मीन्स सूप इज ब्राउन, सूप सूप इज ब्राउन, किसका मीन्स? 895 दोस्तों। यहाँ पे देखोगे क्या, अगर इन दो वर्ड को कंपेरिजन करोगे तो इनमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, हॉट इसमें भी है दोस्तों, हॉट इसमें भी है और हॉट इसमें भी है, हॉट इसमें भी है, हॉट इसमें भी है, मीन्स इसमें जो है दो वर्ड केवल एक वर्ड कॉमन है, तो मीन्स इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या है दोनों में? 8 तो कॉमन है इसमें है नहीं, तो मीन्स एक कॉमन है, वन इसमें भी, वन इसमें भी है, तो दोस्तों मीन्स एक नंबर जो मेरा हॉट जो है एक नंबर है, जो मेरा कोडिंग है दोस्तों हॉट का एक है। और इन दोनों में देखूंगा सूप कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में, इसमें भी सूप है इसमें भी सूप है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? 8 कॉमन है, तो कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों, तो इन दोनों में क्या है, ए भी इसमें और इसमें 8 कॉमन है, मीन्स सूप जो है 8 नंबर है, एस ओ यू पी, सूप जो है 8 नंबर है। अब तो दोस्तों सूप और हॉट आ गया, इसमें क्या सूप 8 नंबर, और इसमें देखो दोस्तों इन और इनमें कंपेरिजन करो तो जो है एक नंबर तो आपका हॉट हो गया, और इन दोनों में दोस्तों इस कॉमन है, इन दोनों वर्ड में देखो तो इस कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 8 तो है नहीं इसमें, 9 तो नहीं, 5, 5 मतलब 5 जो है इस जो है 5 नंबर है, इन दोनों में इस कॉमन है तो 5 नंबर। अब तो बचा क्या दोस्तों? 8 नंबर क्या है मेरा? सूप है, 8 नंबर सूप है। 9 नंबर क्या है दोस्तों? पता नहीं मुझे। तो 5 नंबर क्या है? 5 नंबर इज है, और इसमें तीन वर्ड है, सूप पहला सूप है, दूसरा 5 है, तो ब्राउन इसका मतलब 9 बचेगा, ये ब्राउन, तो आंसर जो है ब्राउन। ऐसा करते दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, 9 नंबर दोस्तों, ये मेरा फाइनल आंसर। ए वाट, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इफ इतना इज कोडेड, इतना इतना विल बी कोडेड, तो दोस्तों मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। तो दोस्तों मेरा क्या हुआ, इसको देखो मैं लिख लूंगा ए बी सी डी ए एम तक, यहाँ तक लिखूंगा, इसके बाद अपोजिट लिखना स्टार्ट करूंगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स, इस तरह पहले अल्फाबेट लिखूंगा। तो देखो क्या लिखा है, सी के नीचे क्या है दोस्तों? सी के नीचे जो है एक्स, सी को लिख दिया एक्स, इसके नीचे का ई को लिख दिया दोस्तों वी से, ई को लिख दिया वी से, और जो है जे को लिख दिया दोस्तों क्यू से, जे को लिख दिया क्यू से, तो क्यू को लिख दिया जे से, क्यू को लिख दिया जैसे, तो दोस्तों यही होगा। अब मुझे इसको लिखना है बी, बी को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ आप मान लो लिखता हूँ बी के नीचे वाई है, तो मैं लिखूंगा वाई। अब यहाँ पे है डी, डी के नीचे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू लिखूंगा। अब यहाँ पे पी, डी हो गए दोस्तों, अब लिखूंगा आई, आई के नीचे आर है, तो दोस्तों आर लिखूंगा। पी, पी के नीचे दोस्तों क्या है? पी के नीचे के, तो के लिखूंगा दोस्तों, तो मेरा क्या हो जाएगा? वाई डब्ल्यू आर के, मेरा ये फाइनल आंसर देखो ये आ जाएगा। ऐसा करते हैं, आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, एल ओ डी एस कोड किया गया, एल
OODES, इसको कोड के एलमिस 4, ओ दूसरे नंबर 6, 3, डी मिस 3, ई मिस 2 और एस मिस। तो दोस्तों अब क्या लिखना, मुझे इसका क्या होगा, डी ओ ई एस, तो इसमें डी को क्या गया, 3 नंबर लिखेगा, 3 नंबर लिख दूंगा। ओ ओ है ओ, यहाँ पे 6 लिखेगा, 6 नंबर लिख दूंगा। ई ई को 2 नंबर लिखेगा, 2 नंबर लिख दूंगा। एस एस को 1 नंबर लिख, 1 नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों 21 ये हो जाएगा दोस्तों, 36 21 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको अभी बता दूंगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट का सवाल जो होता है वो है, चूंकि वीडियो दोस्तों लंबा हो जा रहा दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही बताता हूँ। बाकी इसके आगे क्वेश्चन जो है अभी पीडीएफ दोस्तों मेरे पास पड़ा हुआ है, इस पर अभी ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो इन सब क्वेश्चन को, इसके आगे का क्वेश्चन अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में दोस्तों पढ़ाऊंगा। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तो अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आएगा। बाकी इसके आगे जितना है वो कवर कराऊंगा मैं अगले लेक्चर। बाकी दोस्तों चैनल को ऊपर लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।